Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिंगर नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह की शादी का कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। अभी तक का सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए इस कार्ड में शादी की तारीख भी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक नेहा और रोहन प्रीत की शादी का कार्ड एक फैन क्लब ने शेयर किया है। वेडिंग कार्ड में सारी डिटेल्स दी हुई है। 26 अक्टूबर 2020 को नेहा और रोहन प्रीत 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके साथ ही रिसेप्शन का वेन्यू पंजाब स्थित है। कुछ दिन पहले नेहा और रोहन प्रीत ने अपने रिलेशनशिप की बात को कंफर्म करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी। दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटस कंफर्म किया। फैंस को खुशखबरी सुनाई थी। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि यह सब चीजें नेहा और रोहन प्रीत के नए गाने के लॉन्च के कारण हो रही है। नेहू द ब्याह नाम से इनका एक सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, जिसके प्रमोशन के लिए ये चीजें की जा रही है। फैंस भी दोनों की शादी की कयास लगा रहे थे। इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स को कंफ्यूजन भी था कि यह गाने के लिए लॉन्च के लिए हो रहा है या फिर इनकी सच में शादी हो रही है। अब जब शादी का कार्ड और डेट दोनों ही सामने आ चुके हैं तो लोगों को विश्वास हो गया है कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच खबर है। नेहा और रोहन प्रीत सच में शादी करने जा रहे हैं। कार्ड के मुताबिक दोनों की शादी का वेन्यू दिल्ली का है, लेकिन जिस तरीके से नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की शादी को लेकर चर्चा है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डाउट भी हो रहा है। डाउट ये हो रहा है क्योंकि हिमांशु कोहली के साथ रिलेशनशिप के दौरान जिस तरीके से उनका ब्रेकअप हुआ था, इसके बाद से नेहा कक्कर जो है वो शो में ही इमोशनल हो गई थी और रोते हुए नजर आई थी। इसके बाद से जब वो उस सिचुएशन से गुजरी, उसके बाद सिचुएशन से जब अच्छा महसूस करना शुरू की, इसके बाद से अब जो है उनकी चर्चा किसी और के साथ होने लगी और वो थे उस शो के होस्ट, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो शादी है वो उनके साथ होगी। लेकिन अब जो मामला है ये पूरा का पूरा लगभग सेट हो चुका है कि अब जो नेहा कक्कर है कहीं ना कहीं रोहन प्रीत से शादी करेंगी और उनका जो शादी का वेन्यू होगा वो दिल्ली में होगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.